बेल के बटन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ मिल सके। अस्सलामुअलैकुम। अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सिंधी पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। सिंधी पुलाव बनाने के लिए जिन अज़ा की ज़रूरत है, ये मैंने हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है और दो मैंने बड़े साइज़ के प्याज आलू लिए, इसको मैंने बड़े साइज़ में ही काटे हैं। दो अदद प्याज हैं बारीक स्लाइस में कटे हुए, एक तेज़पत्ता लिया मैंने गरम मसाले में और दो अदद दालचीनी के पीस हैं। 8 से 12 अदद मैंने आलू बुखारे लिए हैं, 3 अदद टमाटर बारीक कटे हुए, ये पुलाव मसाला सिंधी का थोड़ा सा लिया हुआ है, इसमें मैंने चाइनीज़ नमक डाला है थोड़ा सा, साबुत धनिया पिसा हुआ है, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ है इसमें और साबुत बड़ी इलायची है इसके अंदर। ये मसाला घर में तैयार किया हुआ है मैंने और 2 चमचियाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, हरी मिर्चें भी इसमें हैं, 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच लिया है। 1/2 kg मैंने चावल लिए हैं और हसबे ज़रूरत ऑयल है। शुरू करती हूँ मैं। एक पैन में मैंने ये प्याज स्लाइस किया हुआ डाला है और इसमें मैं हसबे ज़रूरत ऑयल शामिल करूँगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये पुलाव है। सिंधी पुलाव बहुत ही मज़ेदार होता है, आप ज़रूर बनाएँ। ये 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाला है। ये हल्का सा हमारा प्याज हो गया है, हल्का सा प्याज बन हो गया। अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल करूँगी, गोश्त शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। गोश्त शामिल कर दिए, प्याज के साथ ही हम गोश्त को फ्राई करेंगे। ये हमारा गोश्त और प्याज हल्का सा हो गया हुआ है, गोश्त भी फ्राई हो गया हुआ है, प्याज भी। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, लहसुन अदरक का और साबुत गर्म मसाले में दालचीनी और तेज़ काट कर पत्ता रखा था ये मैं शामिल करूँगी। अब इसके अंदर मैं ये टमाटर जो मैंने रखे हैं ये शामिल करूँगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप भी ज़रूर बनाइए। टमाटर भी हमारे हो गए हैं, अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर रहे हैं। ये हरी मिर्चें, गरम मसाला पाउडर और ये यखनी का जो पाउडर है सीधी यखनी का, ये मैं शामिल कर रही हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। ये देखें इसका कलर कितना प्यारा आया है। अब इसको भूनने के बाद मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी, आलू बुखारा में एंड में शामिल करूंगी जिस वक्त मैं दम लगाने लगूंगी। अभी आलू बुखारे को मैं नहीं शामिल करूंगी, एंड में शामिल करूंगी। देखें अब मैं इसमें पानी शामिल करी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमारी हर चीज़ बराबर हमने रखी है, चिकन भी 1/2 kg है, चावल भी 1/2 kg हैं और तकरीबन आलू भी हमारे 1/2 kg ही हैं। और अब हम इसमें पानी इतना डालेंगे ताकि हमारा गोश्त और आलू अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आलू गलने चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। देखिए हमारे आलू और चिकन पक रहे हैं, अब हम इसके अंदर ये जो आलू बुखारे रखे थे ये मैं डालने लगी हूँ। 10 से 12 अदद आलू बुखारे आपने भी शामिल करने हैं इसमें। इस आलू बुखारे मैंने इसलिए पहले नहीं डाले कि इसका जो अरोमा होता है वो सारा उसमें आ जाता है और वो आलू बुखारा बिल्कुल घुल जाता है। एंड में आलू बुखारा डालते हैं तो इसका अरोमा जो होता है अरोमा के अंदर आ जाता है यखनी के अंदर और आलू बुखारे भी साबुत रहते हैं और इसका अलग ही टेस्ट होता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमारे आलू और जो गोश है वो हमारा अच्छे तरीके से गल गया है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आलू भी गल गए हैं और इसके अंदर जो गोश है वो भी हमारा गल गया है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चावल शामिल कर रही हूँ।
चावल भी शामिल कर दिए हैं अब इसमें। अब ये चावल पकेंगे, हम इसको ढक देने हैं हमने। अगर चावल पक जाएंगे हमारे हल्के से हो जाएंगे, फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। ये चावल हमारे पक रहे हैं, अब हम इसके अंदर पीसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीसी हुई काली मिर्च मैं एंड में शामिल करती हूँ, वो इसलिए कि पहले डालने से चीज़ की रंगत काली हो जाती है। इसको अब देखें एंड में मैंने शामिल किए हैं। अब मैं इसको मिक्स करके और चावलों को दम पे लगा दूँगी। ये देखें चावल हमारे हो गए हैं, कितनी अच्छी यखनी हमारी सिंधी पुलाव बना है ये देखें। और मैं आपको आलू बुखारे भी दिखाती हूँ। ये देखें जो आलू बुखारे हैं वो हमारे साबती हैं। ये देखें आलू बुखारे साबत हैं, मसाले के साथ लगे हुए। अब इसको हम डिश ऑर्डर करते हैं। हमारा सिंधी पुलाव मज़ेदार किस्म का तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत इजी है। इसके साथ मैंने प्याज बनाया हुआ है, टमाटर हैं, साथ लेमन है, साथ दही का रायता है। दही के रायते में मैंने भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाला है और इसके अंदर काली मिर्चें मैंने पीसी भी डाली हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम।